मुझे 15 साल हो गए यहाँ पांच जुमा आते आते, ऐसा स्वागत तो मैंने कभी भी देखा नहीं पहले। आज मेरे 10-12 गांव के प्रोग्राम है और 1-1.5 बज गया, 2 ही गांव हुए अभी तक। यही हाल था चढ़कला का, यही हाल यहाँ का है। मैं तो ये समझता हूँ एक बार फिर आऊंगा, इतने और इकट्ठे हो लियो भाई। बात ये है भाई, इन एक कहावत है, पहले आदमी काम का प्यारा हो है, काम का प्यारा नहीं होता। आज जो आप लोगों ने प्यार बरसाया है, जो आशीर्वाद दिया है, इससे ये साबित हो गया है कि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी की तरक्की देखना चाहते हो और किसान की भलाई देखना चाहते हो। एक तरफ तो मैं हूँ आपका देखिया वाला, जिसने भाई हाथ से सानी काट रखी, लामनी का रखी, धार काट रखी, और एक तरफ आपके सामने है रोहतक वाला भाई, जिसने अपने जिले के साथ, इलाके के साथ भेदभाव किया, हमारी नौकरी खा जाया करता, हमारी नहरा में पानी नहीं आने दिया करता, बाजरा 800 रुपये नहीं बेचा करता, सरसों 2,200 नहीं बिकती थी और पानी की घूट नहीं आया करती भाई। ये आपके सामने है, मने तो ऐसा लगे है कि इतना बौले कोनी आपे कि घर के ने तो बाहर काट दिया और बाहर वाले ने तो रोहतक वाले ने बना दिया। मैंने पहले भी कहा था कुछ भैया के बहम हो रहा है, मैं तो तरी इसी शुद्धि गा हूं भाई, जा चरके तो हूं बाहर 10 लीटर तुमने दे जाऊं, अगले दिन फिर चढ़ चले जाऊं। और ये जो रोहतक वाला ने छोटा है, ऐसा झोटा है मानना कि तुमने खेता ने चलेगा, तुमने उथलेगा। हुड्डा साहब को अपने इलाके से कोई प्यार नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी होती, 10 साल उसका शासन था, जब हमारी बाउंड्री पर पता चल जाता था कि रोहतक जिले की सीम खत्म, भिवानी की सीम शुरू, बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं थी, भेदभाव साफ दिखाई दे जाता था। और अब भी 10 साल हो गए, हुड्डा साहब कभी यहाँ आए नहीं, ना लोहारू में आए, ना बहल में आए, ना शिवानी में आए। एक ठेकेदार छोड़ दिया, बोला भाई खर्चा पानी तो ले जा और ठेके पर वोट ला दे। भाई मेरे तो चचा को नहीं, पाजू वाले से बावड़े हैं, ये कुछ लोग हैं इनके बावल बेटा चढ़ रहा है। अग भाई गरीबा ने मेरिट वाली नौकरी है, इसने छीन के तमने देंगे। इन बावड़े न्यू को नहीं बेरा, ना तो कहते मेरिट टूटे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, और कोई टूटे तो ना कभी हुड्डा साहब बने। और भाई खुदा ने कास्ता सूद बैठ जाए तो रोहतक वाले का पेट भरेगा कि पज्जू वाला का भरेगा, न्यू बता दो। तो मैं तो सारा हिसाब लगा लो, मैं तो बाप से सिर्फ 5 साल और मांगता हूँ। क्यों मांगता हूँ? अपने लिए नहीं, पाजू के लिए, नांगल के लिए, बहल के लिए, लोहारू के लिए। मैंने भाई एक सपना है, बाकी काम नहर मैंने बनवा दी, पानी लान लग गया, सड़क बनवा दी, स्कूल बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए, भाई खजूर की खेती और करवा लें दो। मैं विदेश में गया था, जब देखा था 10-10 लाख रुपये किल्ले के फसल हो है, वो पौधे लाके मैंने तैयार करा लिए, 4-5 साल के बाद फसल आती है, फल देता है। मंगियाना में जाके देखा वो गाड़ी करके, भाई 6 डाल की नस्ल आई थी, 2 बिल्कुल फिट होगी अपने इलाके के लिहाज से, मौसम के हिसाब से, उनके टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करा के 5,000 रुपये का पौधा बनेगा, 250 रुपये मर लगाऊंगा और 80 साल तक फल देगा, 8-8, 7-7 लाख किल्ले की आमदनी होगी। मारे भी बालक एयर कंडीशनर में रह लेंगे भाई, मारे भी बालक सपने देख लेंगे। भूल गए 10 साल पहले गलियां छड़ा करती, बिजली 2-2 घंटे नहीं आया करती, बाजरा 800 रुपये नहीं बिका करता, सरसों 2,000 नहीं बिका करती, बीमा मुआवजे का नाम नहीं था, लोहारू वाला का कहीं सरकारी खाते में नाम काट रखे था इनने। और हमारे कहते थे यहाँ के नेता कि हमारा पानी जो है SYL आएगी जब आए, अब कैसे आ गया पानी आपका भाई? आपकी कलम, आपका वोट की वजह से आया है, आपने जो ताकत दी इस वजह से आया है, आपने मजबूत विधायक चुना जो झुकता नहीं है, डरता नहीं है, खींच के ले आता है। और लोगों को याद रख लेना,
जेपी दलाल है तो यहाँ पानी है। यहाँ पर पानी लाने का मतलब है शेर के मुंह में तो शिकार काट के लाना। इस बात को आप 5,000 करोड़ रुपए के काम आपके यहाँ करवाए हैं, गांव गांव में दिख रहे हैं, सड़कें हैं, बिजली है, नहरें हैं, माइक्रो इरिगेशन है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, कॉलेजेस हैं, जहाँ चर्चा चलते हो 10 किलोमीटर पर देखो लोहारू में नया प्रोजेक्ट है। ये मैं कोई एहसान नहीं करता, ये कलम आपने दी है, ये कलम मैंने कहा था ये कलम जो है सवाई करके वापस करूंगा, राजनीति नहीं करता। और ये जो मेरे सामने तैयार कर रखे हैं ठेकेदार, आप सोचो जो इनने पूंजी लगाई है कन्यादान में या और क्या है में, ये भाई अपना पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन एक बता दूं मैं आपको, ये यहां से भी जाएगा वो भी धक्के मारेगा। क्यों मारेगा? उनको बका रखा है सारे बोट जो है ना मैं लाके दूंगा ठेक का पैसे में। भाई बड़े कौन दे, इफ टेंट में बैठा रखा था टिकट खातर, अगली बार टेंट से भी काट देगा मैं बता दूंगा। एक तरफ तो ये है, एक तरफ आपका भाई है जिसको सारा देश देखता है कि ईमानदार आदमी है, काम करने वाला है, और इसी वजह से परसों यहाँ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आने लग रहे हैं। हरियाणा की शुरुआत, राजनीति की शुरुआत पहले उधर से आया करती, यहाँ खत्म हो जाती थी। अब हरियाणा की राजनीति की शुरुआत लोहारू से होगी, आप सबका न्योता है। परसों आपका आना, दो एक दिन 17 तारीख को अब सारे काम छोड़ दियो। जिस तरह आज आपने लगाया इतना टाइम तो लगे भी कौन, जो 2 घंटे का काम है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इससे इशारा ही बहुत होता है। जब हरियाणा का पहला जलसा लोहारू से होता है, जहाँ लोहारू का नाम नहीं था कहीं, ये इशारा बहुत हो है, आप इस चीज़ को समझ जाना। सारे माताओं को आना है, सारे भाइयों को आना है, और सारे दोस्तों को आना है। लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं, मेरा आगे का दाव पड़ रही है भाई, आगे भी गांव में ट्रैक्टर ले खड़े हैं, मैंने इजाज़त दे दो। और भाई तुम्हारा एहसान में उतार नहीं सकता, पाजू ने मुझे कभी भी नीचा नहीं दिखाया, पाजू का मुझे पूरा और भाई भाइयों का जो बता दे, पाजू में जोड़ भी खुद गया, पाजू में ये भी हो गया, पाजू वाले ने सब दिखा है कि क्या हो गया भाई, सारे बेराहन है मेरे फालतू जाने हैं। और ये कोई ज़्यादा नहीं है भाई, असली काम तो अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। मैं बता दूं लोहारू हल्के का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, 5 साल में दिखा दूंगा। जय हिंद जय भारत।